मामला दिल्ली के हरिनगर का है, जहां पर संतोषी माता मंदिर के एक बाबा जिनका कहना है कि मेरे आशीर्वाद से सभी दुख दर्द मिट जाते हैं। अपने दुख दर्द मिटाने के लिए महिला ने अपने दोस्त से बात की तो दोस्त ने मंदिर के बाबा के बारे में बताया, जिसको सुनकर महिला मंदिर वाले बाबा के पास पहुंच गई और अपनी सारी समस्याएं सुनाई, जिसके बाद महिला को बाबा ने आशीर्वाद दिया और उनको गलत तरीके से छूने का प्रयास किया। महिला द्वारा विरोध किए जाने पर बाबा ने उसको अपने आशीर्वाद देने का तरीका बताया। महिला को यह बात हजम नहीं हुई तो वह भागकर बाहर निकली और दूसरी महिला को अपनी आपबीती बताई तो महिला ने उसको बाबा का आशीर्वाद देने का तरीका कहते हुए कहा कि बाबा सबको ऐसे ही आशीर्वाद देते हैं। इसके बाद बाबा को लगा कि यह महिला कहीं मेरी बदनामी ना कर दे तो उस बाबा ने अपने कुछ चेलों द्वारा महिला की पिटाई करवा दी, जिससे महिला में डर पैदा हो जाए। बाबा के प्रति महिला ने लिखित तहरीर हरिनगर SHO को दी, जिसके बाद क्या कार्रवाई होती है ऐसे बाबा पर जो बाबा का चोला ओढ़कर रक्षक के रूप में भक्षक बन बैठे हैं, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। मीडिया के सामने क्या कुछ कहा महिला ने, आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट में। ये कुछ कन्या वन्या कुछ नहीं मानते, ये लोग बस ये पैसे कमाते हैं और लड़कियों के साथ बदतमीजी करते हैं, छोटी छोटी लड़कियों के साथ। ये आज भी बहुत सारी लड़कियां आई थी, उनके साथ भी हो सकता है कल को। मेरे को इंसाफ चाहिए, इन्होंने मेरे साथ बहुत बदतमीजी करी। जब भगत जी है ना, जब बैठते मेन, उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी है और उन्होंने बड़ा हेल्प के नाते उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी है और बहुत गंदा। आज भी मेरे को बुलाया था कि मतलब रह लेना यहाँ ताकि मेरे को यूज कर सके हो, लेकिन मैंने इनका खुलासा किया तो मेरे को पिटवा दिया उन्होंने, लेडीज से जेंट्स से। सर ये लड़की कह रही है कि मैं 14 जनवरी को आई थी। हाँ, हमें भी यही पूछ रहे थे, अगर आपसे कोई हेल्प मांगेगा करोगे ना? इतने सारे लोग, एक अकेली लड़की को तुम मारोगे, वो लड़की भी देख लो कैसी है। अच्छा। उसको मारोगे तो हेल्प तो करोगे ना, कि इंसानियत के नाते आप तो जो हेल्प कर रहा है उनको भी पुलिस वाले घर के लेके जा रहे हैं, ये कोई बात है? मैं तो ये कहती हूँ जो चौकी लगा रही है सबको ढोंग है, ऐसे बाबा वोट आते हैं, ठीक है इनको बंद करना चाहिए, ठीक है। और ये जो बार बार बैठे है नी यात्री, जो भी आ रखे झोला दे दो, जोत के नाम पे दे दो, जोत के नाम पे तो तनख्वाह तो बाउंसरों को गुंडों को देते हैं। फिर ये सर मेरे साथ हुआ था, जैसे मैं आई, मैं पहली बार आई, मुझे नहीं पता था, मुझे किसी ने बताया था मैं आई, तो मैं आई तो मैं बैठी तो बोले कि आप पहली बार आई, मैंने कहा हाँ, कि मियाँ भी आओ, मैंने हाँ मियाँ भी आ, तो कहा 1000 रुपये दो, तो मैंने कहा 1000 रुपये तो नहीं है, 500 रुपये है, तो एक काम करो, एक जना बाहर निकल जाओ, एक जने बैठो। अच्छा। फिर इसके बाद आरती के थेरा वगैरह आए, पैसे लिए तो पैसे डाले, फिर इसी देर में इस लड़की को मार रहे, मारने लगे, तो मैं ऊपर ही थी, तो बहुत बुरी तरह से मार रहे थे, नीचे गिरा लिया, तो मैंने खींचा, दो तीन आदमी थे, औरतें भी थी, तो मेरे पति ने थोड़ा ने औरतें थी ना, तो मैं बीच में गई, तो मैंने ऐसे पकड़ के खींचा, तो हो सका था पहले लगा नहीं था कोई रखा कुछ भी, इतने पे अंजाम लगा दिया, कहीं मियाँ बीवी ऐसे काम करते हैं, इनने आए के झगड़ा करवाया, इसलिए तो जिनका जिनने झगड़ा करवाया उनको नहीं डरा, और मुझे लाइक डाल दिया यहाँ।